जय श्री हरि विष्णु। आज हम भगवान विष्णु के चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। एक बार नारायण, जिन्हें हम भगवान विष्णु भी कहते हैं, जिन्हें सोचा कि वो अपने इष्ट देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 1000 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी ने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और आंखें बंद करके संकल्प को दोहराया और अनुष्ठान को शुरू किया। यथार्थ में शिव जी के ईष्ट नारायण हैं और नारायण के ईष्ट शिव जी हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपना ईष्ट मानते हैं। शिव शंकर जी अपना ईष्ट देवता नारायण जी को मानते हैं, विष्णु जी को, और नारायण जी अपना ईष्ट देवता शिव जी को मानते हैं। किंतु आज इस क्षण भगवान शंकर भगवान की भूमिका में थे और श्री हरि भगवान विष्णु जी नारायण भक्त की भूमिका में। भगवान शिव शंकर को एक ठिठोली सूझी। उन्होंने चुपचाप सहस्त्र कमलों में से एक कमल चुरा लिया। शंकर जी ने क्या किया, 1000 कमल पुष्प थे, उनमें से एक पुष्प को चुरा लिया। नारायण अपने ईष्ट की भक्ति में लीन थे, विष्णु जी तो भक्ति में लीन थे शिव जी की, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब 999 कमल चढ़ाने के बाद नारायण ने 1000वें कमल को चढ़ाने के लिए थाल में हाथ डाला तो देखा कमल का फूल नहीं था। कमल पुष्प लाने के लिए ना तो वे स्वयं उठकर जा सकते थे, ना किसी को बोलकर मंगवा सकते थे, क्योंकि जब हम पूजा में बैठ जाते हैं, हमारा अनुष्ठान शुरू हो जाता है, तब हम उठ के नहीं जा सकते। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि मैंने तो 1000 कमल पुष्प चढ़ाना था, अभी ये 999 कमल हैं। क्योंकि शास्त्र मर्यादा है कि भगवान की पूजा अथवा कोई भी अनुष्ठान करते समय ना तो बीच में से उठा जा सकता है, ना ही किसी से बात की जा सकती है। वो चाहते तो अपनी माया से कमल के पुष्पों का ढेर थाल में प्रकट कर लेते, किंतु इस समय वो भगवान नहीं बल्कि अपने ईष्ट के भक्त के रूप में थे। अतः वो अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी भक्ति में नहीं करना चाहते थे। देखिए कितनी अच्छी बात छुपी हुई है कि भगवान दूसरे भगवान की पूजा में लीन है। एक भगवान ईष्ट देवता हैं, दूसरे भक्त बने हुए हैं, और उन्होंने अनुष्ठान रखा है कि मुझे 1000 कमल पुष्प चढ़ाना है, उसमें से एक पुष्प नहीं है उसमें। तो नारायण ने सोचा लोग मुझे कमल नयन बोलते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के जो नयन है कमल नयन बोलते हैं, कमल के समान हैं। तब नारायण जी ने अपनी एक आंख शरीर से निकाल कर शिव जी को कमल पुष्प की तरह अर्पित कर दी। भगवान ने सोचा कि एक पुष्प की कमी है तो लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अर्थात मेरे जो नयन है वो कमल के समान है। तो उन्होंने अपनी एक आँख को निकाल कर भगवान को, शिव जी को अर्पित कर दी और अपना अनुष्ठान पूरा किया। नारायण का इतना समर्पण देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े, शिव जी रोने लगे। इतना ही नहीं, नारायण के इस त्याग से शिवजी मन से ही नहीं बल्कि शरीर से भी पिघल गए। कितनी अच्छी भक्ति का उदाहरण विष्णु जी ने दिया है कि जो उन्होंने अनुष्ठान रखा उसमें एक पुष्प की कमी हो गई, तो उन्होंने अपने शरीर से अपनी आँख निकालकर, नयन निकालकर शिवजी को चढ़ा दिए। शिवजी इतने प्रसन्न हो गए कि शिवजी मन से नहीं बल्कि शरीर से भी पिघल गए, रोने लगे। और उन्होंने चक्र रूप में, जब शिवजी रो रहे थे और शरीर से पिघल रहे थे, तो वो चक्र रूप में परिणित हो गए शिव शंकर। ये वही चक्र है जो नारायण हमेशा धारण किए रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे विष्णु जी इस नारायण, इस चक्र को धारण किए रहते हैं। तब से नारायण वही चक्र अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करते हैं, और इस तरह नारायण और शिव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु जी और श्री शिव शंकर जी भगवान की जय।